करेंगे शुक्र देव उच्च के होने जा रहे हैं मीन राशि में। इससे आपकी राशि और लग्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में बात करेंगे। वीनस ट्रांजिट होने जा रहे हैं मीन राशि में, इससे आपकी राशि और लग्नों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चार राशि और लग्न का हम बात कर चुके हैं, आज बात करेंगे सिंह कन्या तुला और वृश्चिक राशि पर। देखिए आपके काल पुरुष की कुंडली में धनभाव का मालिक बनता है शुक्रदेव और डेली रूटीन लाइफ का मालिक बनता है शुक्रदेव। धनभाव का तो समझ में आता है लेकिन डेली रूटीन का कैसे समझें इसको। देखो मॉर्निंग में जब आप सुबह उठते हो तब आपको चाय दूध चाहिए, वहाँ से आपका खर्चा शुरू होता है। खर्च कहाँ से करोगे, पैसे होंगे तब खर्च करोगे। सुबह की चाय से लेकर रात के सोने के दूध तक आपका खर्च चलता रहता है, उसको डेली रूटीन लाइफ कहते हैं। जो आपके पूरी रूटीन को नियमित रखता है, उसको परिपूर्ण करता है, वहाँ धन का मालिक। धन का मालिक, धन नहीं होगा तो खर्च कहाँ से करोगे। आपकी रूटीन डिस्टर्ब होगी या नहीं, अगर आपके पास पैसों की तंगी होती है तो आपकी डेली रूटीन डिस्टर्ब होती है या नहीं, ये सोचने वाली बात है। मेरा चैनल लॉजिक्स के ऊपर बात करता है, एस्ट्रोलॉजी लॉजिक्स क्या है, लाइफ में लॉजिक क्या है वो चीज़ बताता है। तो इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस रखें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। तो शुरुआत करते हैं सिंह कन्या तुला वृश्चिक राशि पर उच्च के शुक्रदेव का क्या प्रभाव आएगा। देखो पाँच नंबर से आपका 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 यह आपका सिंह राशि और सिंह लग्न का प्रभाव बनता है। आप इस 1, 2, 3, 4 को भूल जाइए, काल पुरुष की कुंडली को लेना जरूरी होता है क्योंकि सारे प्रभाव नैसर्गिक प्रभाव इसी से मिलते हैं। तो पाँच नंबर में शुक्रदेव गोचर करने जा रहे हैं आपके अष्टम भाव पे गोचर करने जा रहे हैं। तो यहाँ का इफेक्ट देंगे आपके, तो एक आपका अष्टम भाव का इफेक्ट दिया, दूसरा भाव का इफेक्ट दिया आपके, और शुक्रदेव आपके सिंह लग्न सिंह राशि में कहाँ के मालिक बनते हैं। एक तो आपके तीसरे घर का मालिक बनता है और एक आपके दसम भाव का मालिक बनता है। तो शुक्रदेव यहाँ से आपके डेली रूटीन से अष्टम भाव में आए, अष्टम भाव आपको पता है अच्छा घर नहीं होता है, तो आपकी डेली रूटीन लाइफ डिस्टर्ब होगी। अब कैसे डिस्टर्ब होगी, अगर आप जॉब करते हो तो जॉब जाने के योग बन सकते हैं, जॉब चली जाएगी या पैसों की तंगी आपके पास रहेगी। व्यापार में कोई ना कोई नुकसान होने के योग बनेंगे। कोई बदनामी से बचना मैं पहले बता देता हूँ ताकि आप इस चीज़ को ध्यान रखो, कोई भी तरह की अपने बॉस से लड़ाई झगड़ा मत करना या व्यापार में कोई तरह का इन्वेस्टमेंट मत करना क्योंकि बदनामी योग या नुकसान योग बन सकता है। आपके साथ धोखाधड़ी होने के योग बन सकते हैं क्योंकि यहाँ देखो आपको पैसों का नुकसान कैसे होगा, यहाँ शुक्रदेव उच्च के तो होने जा रहे हैं लेकिन एक खड्डे में चले गए, यहाँ उच्च के भी हो गए मतलब और ज़्यादा नीचे चले गए। अब यहाँ आपका देखो ये नीच के घर को देखेंगे, ये धनभाव है आपका, तो नीच के घर को देखेंगे तो धन की कमी लाएंगे, पैसों के नुकसान पैसों की तंगी लाएंगे, जॉब चली जाएगी क्योंकि देखो कर्म भाव डेली रूटीन लाइफ का मालिक ये है, कर्म भाव का मालिक ये है, तो आपके कर्म में दिक्कत समस्या पैदा करेगा जिससे जॉब छूटने के पूरे पूरे योग बन सकते हैं। आपको उपाय क्या करना है, आप शुक्रदेव की महालक्ष्मी का उपाय करें, महालक्ष्मी का चालीसा पढ़े या शुक्रदेव का ओम सुम शुक्राय नमः का जाप करें, ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्रदेवाय नमः का जाप करें, जिससे आपको यह फायदा होगा। अब बात करते हैं अपने कन्या राशि पर क्या प्रभाव आएगा शुक्रदेव का उसके बारे में बात करेंगे। देखो मैं आपको एकदम बढ़िया से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इन उपायों को खुद करें, आपको कहीं पर जाने की दरकार नहीं है। जिनके भी जॉब लाइफ में दिक्कत आ रही है यह विदेशों में भी ये योग लगेंगे। अगर आप मेरा ये वीडियो विदेश में बैठ के इंडियन लोग देख रहे हैं तो आप समझ जाइए आपके साथ ये हो सकता है अगर आपका सिंह लग्न या सिंह राशि बनती है। कन्या राशि में बात करें, देखो 6 नंबर यहाँ लिखा होगा आपके, यहाँ कन्या लग्न या कन्या राशि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है। शुक्रदेव आपके गोचर करेंगे यहाँ से सप्तम भाव से डेली रूटीन लाइफ में, ठीक है। आपके लग्न को देखेंगे, लग्न 1 नंबर हो गया आपका, यहाँ धनभाव 2 नंबर, नवम भाव भाग्य भाव 7 नंबर जो आपका बनता है, 2 नंबर 7 नंबर यहाँ बनेगा, 2 नंबर आपका यहाँ बनता है।
तो देखिए शादी के योग बन सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव में शुक्रदेव गोचर करने जा रहे हैं। शादी के योग दशा अंतरदशा अगर आपकी अच्छी चल रही है तो योग बन सकते हैं, नया बदलाव आ सकता है आपकी लाइफ में। डेली रूटीन लाइफ में जा रहे हैं शुक्रदेव उच्च के होने जा रहे हैं, उच्च का शुक्र डेली रूटीन लाइफ में जाएगा तो क्या देगा, उच्चता देगा, डेली रूटीन लाइफ को बहुत अच्छा कर देगा, हाईएस्ट पोस्ट देगा। अब देखो धन का मालिक बनता है तो धन योग होगा, धन लेके आएगा, उच्च का होकर आएगा, मतलब जो आपके पैसे आपने किसी के दिए थे उधार वो आपके पास वापस आने के योग बनेंगे। किसी को आपने फाइनेंस के लिए पैसे दिए, आपने किसी ने पैसे दिए तो वो पैसे आपके पास आने के योग बनेंगे। आपका डूबा हुआ पैसा, ये घर डूबा हुआ होता है, डूबा हुआ शत्रुओं से भी लाभ लेकर शुक्रदेव आपके आने वाले थे। धन का आगमन होगा, नया बदलाव आने का योग बनेगा, विदेश या कहीं जाने की यात्राओं का योग बनेगा, क्योंकि नवम भाव में आपका दूसरा भाव जो है दूसरी वृषभ राशि जो बनती है यहाँ पर बनती है, तो भाग्य भाव का साथ मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। अब बात करेंगे अपने तुला राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में, आपको मैं हर एक चीज़ को एकदम बढ़िया से एनालिसिस करके बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है तो आप बता दीजिएगा, और आप वीडियो के नीचे कमेंट करके भी बता सकते हो और पूछ सकते हो। दोस्तों यह जो इफ़ेक्ट आते हैं पूरे लॉजिक्स के साथ आपको बता रहा हूँ, इसलिए इसको अच्छे से समझने की आप खुद कोशिश करना, आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की दरकार नहीं पड़ेगी। अब बात करने जा रहा हूँ वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि, देखो वृश्चिक राशि आपकी वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि 8 नंबर से बनता है आपका, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। शुक्रदेव आपके यहाँ से गोचर करने वाले हैं पंचम भाव से। पंचम भाव आपको पता है शेयर मार्केट अष्टम भाव, मतलब पंचम अष्टम का जब भी संबंध होता है लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट से फ़ायदा करवाता है। उच्च के शुक्रदेव आ रहे हैं यहाँ पर, उच्च के शुक्रदेव आ रहे हैं शेयर मार्केट्स में फ़ायदा करा सकता है। विदेश से लाभ क्यों कराएगा, आपकी एक राशि जो होती है इसको यहाँ से भूल जाइए आप, विदेश की राशि बनती है आपकी एक, यहाँ से देखो अच्छे से समझ लो, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा और कहीं पर जाने की दरकार नहीं पड़ेगी आपको। इतना देखो आपकी यहाँ से शुक्रदेव गोचर करेंगे, शुक्रदेव यहाँ से गोचर करेंगे, उच्च के होने जा रहे हैं सप्तम भाव, डेली रूटीन लाइफ में आपके ये भी इफेक्ट पड़ेगा, और आपकी एक विदेश की राशि बनती है, और लाभ भाव को देखेंगे, यहाँ से लाभ भाव को देखेंगे तो शेयर मार्केट डेली रूटीन लाइफ में शेयर मार्केट का फ़ायदा करवा सकते हैं। प्रेम संबंध का योग बनेगा, आपका कोई बढ़िया प्रेम संबंध बन सकता है। आप अगर डिप्रेशन में थे, स्ट्रेस में थे, तो नया लव अफेयर आपका होने का योग बनेगा और उससे आपको फ़ायदा भी होगा। विदेश से अगर काम करते हो तो विदेश का लाभ करवाएगा, तो ऐसे फल आपको शुक्रदेव देंगे। उच्च का शुक्र का अगर फ़ायदा लेना है आपको तो ओम ध्राम ह्रीम द्रोम शुक्रदेवाय नमः, ओम सुम शुक्राय नमः का जाप करें, ओम सुम शुक्राय नमः का जाप करें, शुक्रदेव के लिए महालक्ष्मी की उपासना करें, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो यह वीनस का ट्रांजिट चार राशियों पर बताया, अगला वीडियो भी चार राशियों पर आने वाला है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें। जय माता।